नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से, और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो कि तेजी से इसमें उछाल आया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो साइबर क्राइम है वो कब हुआ था, तो 1820 के करीब एक ऐसा केस आया था सामने जिसने लोगों में इस तरह का वर्ड जो साइबर क्राइम है उसको यहाँ पर जनरेट किया था। वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और टेलीग्राफ में हुआ था, जो ई पेपर जिसे कहते हैं। अगर हम 1820 की बात देखें तो 2000 के अंत तक जो है, अगर आप इसकी बात करें तो उस समय इतना ज्यादा साइबर क्राइम नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने 2000 के बाद की जो अगर हम इसका देखें तो इसमें इतनी तेजी से उछाल आया है, और 2010 के बाद तो मानो डेटा इतने ज्यादा इसमें आया है सभी के सामने कि लोगों का जो एक तरह से ये कहे कि जन जन तक ये जो साइबर क्राइम है वो प्रत्येक व्यक्ति को छू गया है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले जो ये साइबर क्राइम होते थे वो बड़े बड़ी कंपनीज को टारगेट करती थी, लेकिन आज जो जन जन साधारण होता है उसके ऊपर भी ये अटैक्स हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई है शशि झा जी, और जो कि साइबर फ्रॉड का शिकार हुई थी। तो आइए जानते हैं कि उनसे ही उनके बारे में कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या ऐसी चीजें उनके साथ हुई जिसके कारण वे इस साइबर फ्रॉड का शिकार हुई थी, और उन्होंने मतलब इसके बाद क्या किया और कैसे इसको हैंडल किया। शशि जी नमस्कार। कल मैं टीवी में देखते थे, दिखाया जा रहा था कि पिछले एक साल में 7000 करोड़ से ज्यादा की ठगी साइबर के द्वारा ऑनलाइन। तो जब उसको देखा तब मुझे अपना भी याद आया कि मैं भी हूँ, मुझे भी कैसे फ्रॉड में फंसाया गया था। मैं खुद से अपना पैसा उसको ट्रांसफर की थी। आज सोचती हूँ तो लगता है कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, कैसे मैंने इतना फंस गई थी। अभी 2 साल पहले झारखंड का जामताड़ा नामक जगह से इतने पूरा का पूरा गांव ही इसमें लिप्त था। वहां कुछ साल हुआ, फिर हरियाणा में सुना गया कि हरियाणा में चेरिया में ये ठगी हो रही है। कल राजस्थान के मेवात में पकड़ाए गए लोग। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए किसका पैसा करके हम पैसा लूट लें, काम नहीं करना है दूसरे का पैसा किस तरह से। और ऐसा नहीं है कि वो गरीब ही है, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब मेरे साथ जो हुआ वो बंदा बोलने से लग रहा था कि हाँ वो पढ़ा लिखा अच्छे घर का है। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि कोई ऐसे भी कर सकता है। मैं उस समय आज लगभग 6 महीना पहले की बात, 5-6 महीने पहले की बात है, मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई थी, कुछ खरीद रही थी। तभी मेरे फोन पे रिंग बजा। पहले तो मैंने काटा उसे, फिर बजा, फिर मैंने काटा उनके, पता नहीं कौन है, बाद में बात करूंगी, ऐसे अगर कोई अर्जेंट होगा तो घर जाके कॉल कर लूंगी। 2-3 बार काटे के बाद पर चौथी बार फिर आया, कौन है देखती हूँ, पा लिया मैंने। जैसे ही मैंने उठाया वैसे ही उधर से कॉल आ रहा है, भाभी जी नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैं बोली कौन राकेश? भाभी जी आपने पहचाने नहीं, मैं आपके घर आया था, आपने चाय भी पिलाया था मुझे, भाई साहब के साथ में आया था। मैं अब सोचने लगी कौन भाई साहब है, मैंने तो कभी देखा नहीं था कौन है ये। तब तक मैं, फिर उसने कहा कि भाभी जी भाई साहब को ना पैसे देने थे मुझे, और उनका पेटीएम चल नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पेटीएम में पैसे डाल दो। मेरा दिमाग उधर से हट गया, मैंने कहा ठीक है डाल दी। बोला आपका पेटीएम यूज करती है या क्या कहते हैं गूगल पे? मैंने कहा पेटीएम ही यूज करती हूँ। तो आपका यही नंबर है? मैंने कहा हाँ यही नंबर। अच्छा ठीक है, मैं इस पर डाल देता हूँ, अगर आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। फिर मैं कपड़ों में लग गया, मैंने सोचा अपना डाल देगा क्या करना। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है,
जी आप थोड़ा सा वो कीजिए, देखिएगा मैंने जो पैसे भेजे हैं वो आपको आया है क्या? नहीं, SMS देखा नहीं हमके, मैं बोली नहीं कोई पैसे नहीं आया। अच्छा आप ऑन उस पे अभी लाइन पे ही रहिएगा, फोन मत काटिएगा, मैं यहाँ से पैसे भेज रहा हूँ और जैसे ही रिसीव होगा आप मुझे बताइएगा, जैसे मैसेज आएगा मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने फोन को होल्ड रखा, उधर से एक SMS आता है उसमें कि इतना अमाउंट आपके इसमें क्रेडिट हुआ। मैंने बस इतना देखा कि क्रेडिट हुआ और फिर मैंने काट दिया, मैंने कहा हाँ हाँ आ गया कह के मैंने फोन रख दिया। उधर से फिर बंदे का फोन आ रहा है, मैं भी परेशान हो गई कि कितना परेशान कर रखा इसने। कह रहा अरे भाभी जी आपने देखा नहीं, मैंने 5 की जगह आपको 50,000 रुपये भेज दिए। 50 कैसे भेज दिया आपने, 50 क्यों भेज दिया? नहीं, आपको देखना चाहिए था ना, आपने कॉल भी नहीं किया मुझे। हम क्या, मुझे क्या पता आपने क्या भेज दिया, आपने भी आपको देखना चाहिए था। भाभी जी प्लीज मेरे पैसे थोड़ा वापस कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा ऐसा है अभी मैं मार्केट में हूँ, मैं जब घर जाऊंगी तसल्ली से मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे नहीं भाभी जी मुझे बहुत अर्जेंट है, आप समझ नहीं रही, मैं परेशान हूँ, मुझे किसी और को पैसे देने हैं और मुझे अभी तुरंत के तुरंत चाहिए, प्लीज भाभी जी मेरा पैसा वापस कर दीजिए इसमें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी देखती हूँ। मैं यूं पाटर कर रही हूँ कि वो बंदा मुझे मतलब 2 सेकंड का तो टाइम नहीं दे रहा कि मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ समझूं, किसी को कॉल करूं, कुछ नहीं। वो लगातार मेरे संपर्क में, तो फोन काट रही हूँ तुरंत फोन कर दे रहा है। फिर उसने किया कि भाभी जी मेरा प्लीज पैसे वापस कर दीजिए, इसमें रिटर्न कर दीजिए, मुझे किसी को देना है। अब मुझे लगा चलो इसी का पैसा है, 50,000 इसने गलती से डाल दिया है, मैं इसको वापस कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ, अभी मैं दुकान में हूँ, कुछ इनको पेमेंट कर देती हूँ फिर मैं। अरे नहीं भाभी जी आप उनको बाद में कर दीजिएगा, मेरा पहले कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं भी सोची कि चलो बवाल है इसको मैं पहले हटा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं वो कर देती देती हूँ मैं आपको। मैंने कहा आपके इसी नंबर पे देना है? तो नहीं, इस नंबर पे मत दीजिएगा, मैं अभी एक नंबर देता हूँ आप उसको नोट कीजिए, उस पर भेजिएगा। मैंने कहा ठीक है लिखवाइए। फिर दुकानदार से मैंने पेन लिया, कागज लिया, उसने जो नंबर दिया था मैंने उसको नोट किया। फिर उधर से मुझे पूछ रहे हैं कि आपने नंबर नोट कर लिया? मैंने कहा हाँ, क्या नंबर किया? मैंने एक शायद उसमें नंबर कुछ गलत कर दिया था। अरे भाभी जी आपने ऐसे कैसे कर दिया, अभी तो किसी और को पैसे चले जाते, आपको नंबर ठीक से लिखना चाहिए था। हमने कहा ठीक है आप बताइए, इसी पे डाल दूँ? हाँ ठीक है, हाँ इसी पे डाल दूँ, लेकिन आप जो है ना ऑनलाइन उस पर रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, नंबर काटिएगा नहीं, मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे डालिएगा। मेरा दिमाग पता नहीं क्या था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, कुछ दिमाग में आया ही नहीं। जैसे कि आपने पहले कहा कि पहले तो उसने आपसे ही पैसे मांगे थे, फिर ये चीजें मतलब वो ये कह रहा था ना, फिर उसने आपके पे क्रेडिट किया, ये बात कैसे आ गई? उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को उससे 5,000 रुपए देने थे, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को उनका पेटीएम चल नहीं रहा है इसलिए वो 5,000 मुझे देगा। अच्छा हाँ ऐसा हुआ, वो मांग नहीं रहा था, मांगता था तो समझ में आता, वो दे रहा था। तो मैंने कहा ठीक है उनका नंबर नहीं लग रहा है तो ठीक है आप मेरे पे भेज दो। तो ये कहानी हुई थी। अच्छा उसके बाद उसने मुझे लाइन पे लिया, बोला कि मैं आप पूरा अमाउंट एक बार मत दीजिएगा, मैं जितना जितना कहूंगा आपको उतना उतना ही दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा अभी आप सबसे पहले मुझे 20,000 का अमाउंट भेज दीजिए पेटीएम से। मैंने उसे 20,000 पहले भेजा, उसका था 15,000 भेज दीजिए। फिर मैंने 15,000 भेज दिया, फिर 10,000, ऐसे करके भेज दिया। जैसे मैंने भेजा उसको वैसे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, उसने फिर 45,000 का एक SMS मुझे भेजा कि ये आपके उसमें क्रेडिट हुआ है, मतलब कि फिर से वो फिर से वही मैंने, हाँ प्रोसेस। तो वो मैंने देखा नहीं कि वो
ऐसा करके मैंने कहा उसको 45 महीने इसको दे दिया, मैंने फोन काट दिया। दोबारा फिर उसने कॉल कर दिया मुझे, अरे भाभी जी मुझसे फिर से गलती हो गई, मैंने फिर से 45,000 आपके उसमें अकाउंट में डाला। तब मेरा दिमाग सटका कि ऐसे कैसे लोग डाल देगा, एक बार गलती हो जाती है बार बार कैसे गलती हो रही है। फिर मैं दुकान से ना सब सामान वामान कुछ नहीं लिया, मैंने बाहर आ गई, मैंने पेटीएम खोला, उसमें देखा क्रेडिट कहाँ हुआ है, तो देखा उसमें कुछ भी नहीं है। अब तो जैसे लग रहा था मेरे पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली है, मुझे तो सूझ ही नहीं रहा था। मैंने क्या कर दिया, अपनी तरफ से मैंने उसको पैसे परोस दिए बेवकूफ बन के। उतने में फिर से उसका कॉल आया कि भाभी जी पैसे मैंने आपको उसमें फिर से दे दिया, आप मुझे वापस कर दीजिए। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रहा, आपने मुझे ठग करके पैसे लिए, इसमें तो मेरे पेटीएम में तो कोई पैसे नहीं आए। अरे नहीं आपको मैं ठग लग रहा हूँ, मैं ठग नहीं हूँ भाभी जी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। ये मैंने क्या तो बोला उसने, क्रेडिट कार्ड से मैंने दिए पैसे, तो वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी देर में आएगा लेकिन आ जाएगा। हम कहे मैं आपको बेवकूफ देख रही हूँ, पेटीएम में पैसे तुरंत आते हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आएगा, आपको तो तुरंत चले गए, मेरे कैसे नहीं आ रहे। तो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं आपको आप गलत लग रहा है, आप गलत समझ रही है, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि मैं जो है बेवकूफ बन चुकी हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मैं 45,000 इसको दे चुकी हूँ। मतलब तो 45,000 सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया, छोटी मोटी रकम नहीं थी, 45,000 बहुत बड़ी रकम मेरे लिए। मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हस्बैंड से बोलूंगी वो भी डांटेंगे, दिमाग में वही जा रहा था कि कैसे कैसे बेवकूफी, मतलब 2-3 हज़ार समझ में आता है, 5,000 समझ में आता है, 45,000 कैसे किसी को मैं दे सकती हूँ। लेकिन वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था, मैं उसको काट रही थी लेकिन वो बार बार कॉल किए जा रहा था मुझे। मन कर रहा था मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कार्ड से और पैसे निकाल ले या कुछ बैंक से निकाल ले, कुछ दिमाग एकदम से खराब हो रहा था मेरा। तुरंत मेरे हस्बैंड उस समय गाँव गए हुए थे, मेरी बड़ी सास खत्म हो गई थी तो उसमें वो वहाँ गए हुए थे, मैं इनको कॉल कर रही थी तो जल्दी उठा भी नहीं रहे थे, कई 2-3 बार कॉल की, तब जाके उन्होंने कॉल किया और उसके बाद मेरी तो रोना ही निकल गया कि कैसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अब पहले सबसे पहले मेरा जो है अकाउंट उसको बंद करवा दीजिए और जितने कार्ड वार्ड है सबको ब्लॉक करवाइए। फिर बोले क्या हुआ, तो मैंने बताया कैसे ऐसे, मैंने उसको क्या नाम लेके बोल रहा था कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, ऐसे ऐसे कुछ कहानी बताई। बाकी उसका पहला शब्द था कि बेवकूफ हो तुम, कोई ऐसे करता है, अनजान आदमी को ऐसे कोई पैसे दे देता है। अब मैं उनको बता नहीं पा रही थी कि वो मुझे इस तरह से उसमें ले रखा था, उसने मुझे ये कहा कि वो आपका दोस्त है और मैं आपके घर आया हूँ, आपने मुझे चाय पिलाया, तो मेरे दिमाग में यही था शायद आया होगा आपके साथ, इसलिए से बोला। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ ठगी करता है, लेकिन मेरे 45,000 चले गए। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ब्लॉक ब्लॉक करवा लिया, उसके बाद मैंने सोचा इसको मैं कॉल करती हूँ। तो जब मैंने कॉल करना शुरू किया तो इसका मोबाइल उसके पास स्विच ऑफ, समझ आ गया था कि मेरे समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, फिर आगे क्या करूंगी। फिर मेरे तो समझ के बाहर था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि ऑनलाइन ही साइबर क्राइम में होता है, रिपोर्ट होती है, उस पर बात करो, फिर बैंक में बात करो। बैंक में भी मैंने बात किया, ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई, दूसरी जगह भी बताई, लगभग हर रोज मैं यही कहती थी कि मेरे साथ जो हुआ है आप प्लीज उसको पकड़िए। और मतलब एक आदमी नहीं था, उसने फोन एक नंबर से किया, पेटीएम किसी नंबर से हुआ, SMS दूसरे नंबर तीसरे नंबर से आ रहा था। तो ऐसा जाल बुन के इन लोगों ने किया था ना कि मैं लगभग 2-3 महीना तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब फोन देखती थी किसी का कॉल आता अनजान आदमी का, मुझे लगता कोई ठग है, मुझे नहीं उठाना, मेरे दिमाग में ये रहता था अरे नहीं मुझे नहीं उठाना, बहुत ही डर गई थी मैं। उसके बाद कुछ दिन बाद और भी सुनती आई कि हाँ वहाँ
ठगा, इसको ठगा, उसको ठगा। अब तो ये लोग AI के माध्यम से आवाज बदल बदल के बच्चों का आवाज बदल के माँ बाप को बोलते कि बच्चा मेरे पास है इतना पैसा दे दो तो मैं ये दूंगा। उनके ही दिमाग खराब होता है कि लोगों ने मतलब अच्छा चीज नहीं करते, किसी चीज का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग कितना करते हैं, कैसे लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। जैसा कि आपने कहा तो ये मतलब कब कब की घटना है जो आपके साथ ऐसा हुआ है? ये घटना है लगभग दिसंबर या जनवरी जनवरी शायद जनवरी 24। और ऐसा भी आपको लगता है कि मतलब किसी ने आपकी पूरी पर्सनल जो आपका लाइफ स्टाइल है वो पूरा उसने जान लिया था और उसी के हिसाब से उसने आपको टैकल किया? भी सकता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि उस बंदे को ये पता था कि मैं दुकान में हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ उस समय, इसलिए वो बार बार कॉल पे कॉल कर रहा था मुझे। मतलब अगर इंसान घर में रहेगा तो घर में बच्चे भी है, सब है और भी मेंबर है तो सब जानेगा, तो ये पता था कि दुकान में है, दुकान में सामान ले रही है, दिमाग इसका डिस्टर्ब है, अपने शिक्षा में तो हो सकता है कोई ऐसा हुआ हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो अगर जैसे आप कह रही हैं तो ये तो फिर लग रहा है कि जैसे कोई आसपास का ही था जिसने आपको देखा होगा कि हाँ ये मार्केट के लिए निकल रही हैं और फिर इस तरह से सारी चीजें आपके साथ हुई। तो मन में क्या है तो फिर आपने इसका IR वगैरह भी किया, इसका क्या आपको जो पेमेंट आपकी गई थी वो वापस मिली या फिर वो चला गया? IR किया लगभग 3-4 महीने 5 महीने तक, मेरे पति के फोन जाते थे आते थे, साइबर ऑफिस जाते थे, बैंक जाते थे, सब जगह जाते थे, उनसे बोलते थे, उनसे सबको बोलते थे कि मेरे पैसे बहुत ज्यादा अमाउंट है, 2-4 हजार की बात होती थी, कोई बात नहीं थी। मैं भी गई थी साइबर ऑफिस, वहाँ पे मैं भी बोल के आई थी और हस्बैंड तो रोज ही जाते थे, एक बार जाके चक्कर लगाते थे तो पता चलता था कि उसने जो है कॉल यहाँ से नहीं आई थी, कलकत्ता से आई थी, और जो पैसा था वो किसी भिखारी के अकाउंट में उसने जमा करवाया था, उससे उसने किसी और को मतलब वो लगभग 20-25 नंबर पे के एक के बाद एक एक के बाद ना वो अकाउंट ऐसा किसी और पे ट्रांसफर होता गया। लास्ट में पकड़ाया नहीं पता मुझे, पर मेरे पैसे मिल गए, मिले इसलिए क्योंकि बैंक में एक वो करते हैं इंश्योरेंस करते हैं कि आपके पैसे की जिम्मेदारी वो लेते हैं, तो अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप पैसे वापस करते हैं, तो बैंक ने हमें उतना पैसा वापस किया था लेकिन वहाँ से नहीं आया, हमें पैसे नहीं मिले ना, वो पकड़ा गया बंदा लास्ट में। ये सुना केस हुआ इसमें साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट था वहां से आपको कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं मिला? वहां भी बोलते थे कि आप कुछ करके KYC पता करके लाइए, इसका आधार कार्ड पता करके लाइए, अब ये बातें हम पता करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मेरे हस्बैंड गए क्योंकि उसका जो जिसपे ट्रांसफर किया था हमने, मैंने पैसे जो ट्रांसफर किया था उस पे उसका डिटेल पता था, तो वो यस बैंक था सर, यस बैंक में गया था किसी के, तो इनके कोई पहचान के थे बैंक में, तो उनसे उन्होंने पता किया, तो उसका डिटेल लिखा था कि हाँ ये सब है, उससे पता चला कि वो जो है कोई भिखारी के अकाउंट में डाला, फिर उसके बाद हाँ उसके बाद फिर किसी और के अकाउंट में गया था वो पैसा को, तो वो हरियाणा से मुझे एक कॉल आई थी एक दिन मेरे नंबर पे कि मैडम मैंने आपका पैसा नहीं लिया, मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने आपका पैसा लिया 45,000, मैं तो खुद ही गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से आपका पैसा लूंगा, मैं परेशान, मैं सोच रही कि इसको मेरा नंबर कैसे मिला, मैं उससे पूछी कि आप कौन और मेरा नंबर आपको कैसे मिला, तो बोला कि मुझे वहाँ से फोन आ रहा है, उन्होंने ही बताया कि आपने मेरे ऊपर वो किया हुआ है, FIR किया हुआ है,
कि मैंने आपके नाम लेकर तो नहीं किया है, मैंने तो अपना डिटेल दिया उन्होंने उनको, और वो आपको जैसे जैसे भी पहुंचे होंगे मुझे नहीं पता। तो ये अकाउंट मेरा, क्या आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में पैसे कैसे गए? जब तक आपका लिंक नहीं होगा कैसे पता तो आपका अकाउंट है? आपका अकाउंट कैसे आ गया, उसमें पैसे कैसे आ गया उसमें? नहीं, मेरे भाई साहब का अकाउंट है और वो तो बहुत सीधे साधे इंसान है, हम खेती बाड़ी करते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता, वो पुलिस जो करेगी वो जाने, मुझे नहीं पता आपका आपके भाई साहब है क्या है, वो आप अपना झेलिए या कुछ कीजिए। तो वो भी मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हुआ होगा, किसी से पैसा लेके उसने ट्रांसफर करके करके कुछ कुछ किया होगा। लोग ठगी का आदमी, वो जाने उनका जाने काम जाने कैसे किया उन्होंने। पर लास्ट में हमें पता चला था कि दो बंदे और ऐसे थे, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन पैसा ट्रांसफर होते होते, कभी किसी के ऐसे ऐसे करते करते 20-25 लोग का ऐसा हुआ था कि ट्रांसफर होता जा रहा था। लास्ट में पकड़ाया नहीं पकड़ाया पता नहीं, लेकिन हाँ कल न्यूज जब मैं सुनी तब मुझे लगा कि हाँ कितने लोगों के साथ इन लोगों ने, अब 700 करोड़, समझिए कम रकम तो नहीं है, एक साल में 700 करोड़ पैसे की ठगी की इन लोगों ने। तो जो जो तो इंसान इसमें फंसे होंगे, कैसे फंसे होंगे, कैसे उनके साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। जैसे कि आपने बताया कि साइबर क्राइम का जो ये आपके साथ रियल स्टोरी हुई है, मुझे लगता है कि हमारे जो जनसाधारण जो भी व्यूवर्स हैं ऐसे देखेंगे तो उन्हें एक अवेयरनेस यहाँ से मिलेगी कि मतलब पैसे के मामले में एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा सिक्योर होके ही ट्रांजेक्शन करना चाहिए। आप अगर कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है तो आपको चाहिए कि उससे मतलब उस चीज को आप रोकें, और रोकने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट आपको रिलैक्स लेना चाहिए, और 10 मिनट का रिलैक्स लेने के बाद ही जो नहीं, अमाउंट होता है आप रिलैक्स, ट्रांजेक्शन। वो इंसान रिलैक्स दे ही नहीं रहा था ना। हम मैं फोन काट रही हूँ, तुरंत उधर से फोन कर रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं किसी को फोन ना करे या कुछ ना करो, तुरंत वो फोन कर रहा है। मुझे पीछे रखना एकदम से रखा हुआ था कि मैं कहीं फोन ना करूँ, किसी से बात नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ। वो जो कह रहा था बस उसी पे मैं वो, और हाँ दिमाग में तो आ ही नहीं रहा था कि मेरे साथ फ्रॉड की कहानी कर रहा है। इनका जो मेन मोटो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ये यूज करते हैं कि हर सेकंड पे आपके फोन पे कॉल्स जाएंगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें इसका सॉल्यूशन यही निकालना होगा कि जो हमारे डिवाइस है हम उसको ही स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने के बाद 10 मिनट एटलीस्ट हमें रिलैक्स लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि जो ये पर्सन है जिससे हमें हमने अभी बात की है वो हमारे एरिया में है भी कि नहीं है, और क्योंकि हो सकता है कि हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे सिर्फ हम ही को डिसीजन लेना है और वहां पे कोई और ना मिले। हो सकता है हम घर से बाहर हो, या फिर हम घर में भी हैं तो घर में ऐसी कुछ कंडीशंस बन जाए कि हमारे आसपास हम किसी से बात नहीं कर सके। जैसे कि एक ऑनलाइन अभी कुछ टाइम पहले ही एक साइबर क्राइम हुआ था जिसको साइबर बुलिंग के नाम से जाना जाएगा, और इसमें बैंगलोर की घटना है, और बैंगलोर में एक लड़की को ट्रैप किया गया था। उस लड़की को ट्रैप करके, और जबकि वो बड़ी अच्छी एडवोकेट थी, और उसे ट्रैप किया गया था ऑनलाइन, और घर में अकेली थी उस समय, और उसको इस तरह से ट्रैप किया गया कि उसने जो मतलब ऑनलाइन उसने वो सारी चीजें उसके साथ करवा दी जो एटलीस्ट एक लड़की वो सोच भी नहीं सकती है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि जब जब भी हम ऐसी सिचुएशन में हो, हम अकेले हैं तो हमारे पास जो हमारी डिवाइस है हमें उसको स्विच ऑफ ही कर देना चाहिए कि हम एटलीस्ट उस कनेक्शन से ही हट जाए। 10 मिनट एटलीस्ट आप उस कनेक्शन से हटेंगे, आपका जो माइंड होता है ना वो माइंड को ही ट्रैप कर लेते हैं। तो माइंड को अगर हैक कर लिया आपके, या हिप्नोटाइज कर लिया, इसको हिप्नोटाइज भी कहा जाएगा एक तरह से, कि आपके माइंड को वो सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। पहले की वैदिक अगर तंत्रों में जाते हैं तो वैदिक तंत्रों की बात करूं तो उस समय का एक बड़ा ही अच्छा कोट्स दिया हुआ था, चाणक्य जी का कोट्स था, कि
कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी को भी आपको वश में करना है तो आपको उसको कभी अकेले नहीं छोड़ने देना है, मतलब आपको हमेशा उसके ऊपर हावी रहना है। हर 5 मिनट पे उसको कॉल कीजिए, हर 5 मिनट पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी गतिविधि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे तो वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को अगर आपको कंट्रोल करना है तो हर 5 मिनट पे उसको कॉल कीजिए, हर 5 मिनट पे उसके पास जाके पूछिए कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो हैबिट आ जाएगी उसके अंदर और वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो यही चीज है, पहले क्या होता था कि लोग इसको तंत्रा के नॉलेज से जानते थे, वही चीजें आजकल ऑनलाइन भी हो गई है, ऑनलाइन भी आपके माइंड को वो सोचने नहीं दे रहा है। और जब जो आपका माइंड ही नहीं सोच पाएगा उस चीज को तो आप सीधे से उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इसका मुझे जहां तक जो समझ में आता है कि एटलीस्ट कभी भी अगर जो साइबर क्राइम का जो मेन मोटो यही होता है कि लूटपाट से भी लिया जाता है कि मनी को वो लेते हैं, कुछ लोग इसका जो डेटा चुराते हैं, डेटा चुरा के ही मोटो वही रहता है कि उनको मनी अर्निंग करनी है, कुछ लोग इसका बुलिंग टाइप से करते हैं कि ऑनलाइन किसी को धमकी देना, किसी को परेशान करना, इन सारी चीजों में आ जाता है। इसकी मतलब कई सारी कैटेगरीज हैं और हैकिंग लोगों को कहूंगी कि कभी भी अनजान है वो पैसे की बात कर रहा है तो हाथ धो लीजिए, पहले ही उसको बंद कर दीजिए मोबाइल और पहले घर में पता कर लीजिए कि कौन है, कोई पहचानता है नहीं पहचानता है, कैसा भी है। अगर पहचान का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं नहीं जानती, मेरे हस्बैंड जानते या मेरे भाई जानते या मम्मी पापा जानते, उनके नाम से भी अब उसने तो मेरे हस्बैंड के नाम से ही बताया उसे मुझे, तो मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता आया होगा कभी, लेकिन जब तक आप खुद नहीं जानते, आपको लगे कि नहीं मैं नहीं जानती, मेरे हस्बैंड जाने चाहे दो जाने मैं नहीं जानती, तो आप दूर रहिए उस इंसान से, दूर हो जाइए क्योंकि वो पक्का ठगी है। मैंने इतने आपने उससे सीखा कि यदि नहीं जानती उसको तो मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, बात उसको काट देना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि आप बाद में कर लेते, कल कर लीजिएगा, जरूरी नहीं आज ही देना, बाद में कर दीजिए, इतना मुझे कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा। मैंने खुद से उसको 45,000 अपने अकाउंट से उसके उसमें डाल दिए। अब इस पे बैंक वाले भी कह रहे थे मुझसे कि ये तो आपकी गलती है, आपने अपने से डाला, हम क्या करें इसपे। तो बात तो सही थी, मैंने अपने हाथ से ही डाला था, दिया था उसको पैसे, उन्होंने माइंड को सोचने ही नहीं दिया। आपके माइंड को जब तक सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तब तक आपका माइंड डिसाइड नहीं कर पाएगा, और डिसाइड नहीं कर पाएगा तो जो सामने वाला बोलेगा आप वही करोगे। हाँ, सामने वाला मतलब मुझे यही लग रहा था कि शायद हाँ हो सकता है मेरे परिचित का ही है इंसान जो मुझसे बात कर रहा है। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कोई इंसान इतना बड़ा कि फ्रॉड कर सकता है, इस तरह से मेरा दिमाग खराब कर सकता है कि जानता नहीं कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे ये दे रहा है कि मैं आपके घर आया हूँ, आपके हाथ का चाय पिया हूँ, मैं आपके यहाँ बात किया हूँ, आपके हस्बैंड के साथ ही आया था और मैं इसमें फंस गई। इसी मतलब हम लोगों ने बात की है कि साइबर हैकिंग की बात की है, हमने साइबर फ्रॉड की बात की, हमने साइबर बुलिंग की बात की। इसी में एक टर्म आता है साइबर फिजिक्स। साइबर फिजिंग एक ऐसा अगर हम वर्ड देखें तो इसमें क्या है कि आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप पे लिंक भेजे जाते हैं और लिंक पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो सारे डेटा आपके हैक कर लेता है। तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है और कई बार जो लोग गेम्स खेलते हैं वो लोग इसके ट्रैप में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ। मैं तो जब से इसमें फंसी हूँ मैं, मुझे तो कुछ भी दिखता है मैं सबको डिलीट कर देती हूँ। मैं उसको कहीं से कुछ भी आता है, किसी का कॉल आता है तो मुझे मेरे हाथ पर पहले कांपने लगते हैं कि फिर कुछ होगा। कॉल आता है तो मैं उसको हटा देती हूँ, कोई लिंक आता है तो उसको डिलीट कर देती हूँ। फेसबुक से भी कोई अक्सर कुछ ना कुछ लिंक वगैरह सब दिखता रहता है, इस पे ये कर दीजिए, ये इनाम होगा, वो इनाम, सबसे पहले मैं उसको उड़ाती हूँ अपने पेज से। सबसे भी यही कहूंगी कि इस तरह के प्रलोभन हो तो खैर, मुझे तो उसने प्रलोभन नहीं दिया था, उसने मुझे मेरा दिमाग कुछ और खराब कर दिया था,
और प्रलोभन देता तो मैं फंसती भी नहीं। अब मेरा भी जाना था उतना पैसा उस समय, तो चला गया। बस यही कहूंगी लोगों से कि अगर आप किसी को नहीं जानते, नहीं पहचानते, परिचित के नहीं है, तो आप उसी समय कॉल काट के दूर हो जाइए उस इंसान से। और SMS भी आता है, अगर आपको लगता है कि उस इंसान को आप नहीं जानते हैं, तो फिर ध्यान ही मत दीजिए, उसको खोलिए ही मत, तो तुरंत वहां से उसको डिलीट कर दीजिए। और कई बार ऐसे SMS सब आते रहते, इस पे आपको इतना ही ना ये मिला है, इस पे इतना आपको पैसे मिले हैं, इस पे क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट पे इतने पैसे आ रहे हैं। आप एक बार बेवकूफ बनी, हर बार थोड़ी बनूंगी मैं, तो तुरंत उसको हटा देती हूँ। मैं छूटी भी नहीं उसको, डिलीट से देती हूँ, जिसमें एक गर्ल्स को टारगेट किया गया था, और उसमें एटलीस्ट उस वो जो गर्ल है उसको जॉब पे रखा गया था, ऑनलाइन जॉब करनी थी उसे, और उससे काम भी लिया उन्होंने, और काम लेने के बाद उससे 10-15 लाख भी उससे ऐड लिए, और ऐडने के बाद वो लड़की काफी शॉक हो गई थी, और शॉकिंग में उसने सुसाइड भी कर लिया। तो इस तरह से टारगेट करना किसी बच्चे को, और वो जो उसमें ज्वाइन किया हुआ था उस लड़की ने, उसकी जो लोगों की इंसानियत, लोगों की खत्म हो चुकी है। आजकल तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि किस बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, किसको क्या टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से उसकी जान भी चली जाए। लोग सिर्फ पैसे कैसे लाने हैं, बस इसी चीज को टारगेट कर रहे हैं। और इसी चीज में एक और वर्ड आता है, वैसे तो हमारा स्लॉट खत्म हो गया है, बस एक ये साइबर क्राइम का एक और जो कैटेगरी आती है वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ये बचा हुआ है, हमने और सारी जो टर्म्स है उसको ऊपर डिस्कस कर लिया है। एक जो टर्म्स आता है साइबर थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी के आइडेंटिटी को चुरा लेना, और ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो होटल मैरियट जो पूरे संसार का अगर सबसे बड़ा क्राइम देखा जाए तो वो इसी होटल में हुआ था, जहाँ पे 300 मिलियंस लोगों की आइडेंटिटी को वहाँ पे चुराया गया था, और उससे उसको चुराने के बाद उनके जितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने उनके कार्ड्स वगैरह थे वो सारे हैक कर लिए गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम उस समय साइबर क्राइम हुआ था। और इसी तरह से लोगों को अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम होते हैं, एक तरह से जहाँ पर आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, वैसे भी हम ये अगर डे और नाइट से ही लिया जाए तो जहाँ पे डे होगा वहां पे नाइट होगी ही, ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए जहाँ पे हमें इतने ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं और हम इसका यूज कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया से हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नए अनजान चेहरों से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका नाइट यानी कि डार्क साइड भी होता है। और डार्क साइड यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके इनोसेंस का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, तो ऐसे लोगों से अवेयर होने की हमें जरूरत है। उनका जो मोटो है, हम सभी को पता है कि सभी का मोटो यही है कि कैसे किसी को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठना या फिर उनको इतना मजबूर कर देना कि वो अपनी जान दे सके, तो इन सब पे अवेयरनेस की जरूरत है। तो शशि मैम, लास्ट मैसेज मैं आपसे चाहूंगी कि इन सभी चीजों को कवर करते हुए आप एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज पूरे हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रोवाइड कीजिए। मैं बार बार वही बात कह रही हूँ, जिसको आप नहीं जानते हैं, जो भी अनजान व्यक्ति है, बुरी रही है, कॉल आ रहा है, छोटी मोटी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई कह रहा है कि हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं, आप हाथ जोड़ लीजिए। कोई SMS आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये नंबर हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है, नहीं है, बैंक का SMS अलग होता है, वो आपको डिटेल अलग बताएगा, लेकिन इसके अलावा भी बैंक, मेरे साथ जो हुआ वो वही हुआ, बैंक के
जैसा बैंक से वो आता है SMS, वैसे ही बैंक से SMS टाइप करके उसने पता नहीं दूसरे नंबर से मुझे रुपए भेजा था और मैं उसमें फंस गई थी। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सबको जागरूक तो रहना ही पड़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये चीज, छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे कल पकड़े गए 7,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, इससे पता चल रहा है कि साल भर में कितने लोगों को लोगों ने ठगा है, उसमें से एक मैं भी थी। और ये ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, आज वहां बंद हुआ है तो तीसरी जगह फिर ये लोग खोलेंगे। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में ही देखा था कहीं पे उसे टाइप का ठगी चल रहा था कि ले जिनके जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको प्रेग्नेंट करने पे वो लाखों रुपए उनको देते थे। हाँ, ये अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने भी ये न्यूज, तो उसमें काफी पुरुष वगैरह फंसे थे लालच में जाके, बहुत फंसे थे उसमें, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते थे। ऐसा उन्होंने काम किया था कि वो घर में बता नहीं सकते थे, पुलिस में जा नहीं सकते थे, लेकिन बहुत काफी लोगों ने अपने पैसे गवाए थे उसमें। शर्म आ रही थी। टारगेट भी ऐसे ही लोगों को किया जाता है जो इस तरह के मतलब उनका मतलब डेटा चुराया जाता है, और चुराने के बाद टारगेट ऐसा किया जाता है कि जो उनकी कमजोर नस होती है उसी पे टारगेट कर दिया जाता है। तो जैसे कि अभी कुमार बेगम की बात की जाए, या फिर एक और गुड़गांव से था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका भी वही चीजें था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनका नाम आया हुआ था। तो बहुत ही ऐसे मतलब गिरे हुए लोग इनको कहा जाएगा कि जो ह्यूमैनिटी से भी नीचे जाकर ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं, और इनका सिर्फ मोटो यही होता है कि बस हमारे पास पैसे आए। अंजाम तो वो भी भोगेंगे, आज नहीं तो कल तो भोगेंगे, लेकिन ये है कि लोगों को बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, उनके विश्वास से खेल जाते हैं, उनके दिमाग में तो फिर एक बार ठगने के बाद इंसान का किसी पे भरोसा रह ही नहीं जाता है। अब मुझे कोई कह दे कि हाँ किसी पे कोई भरोसा कर लो, तो मैं तो नहीं कर सकती, मेरे बस की तो नहीं है कि मैं फिर कोई मुझे मुझसे मदद भी मांगेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इसकी मदद करूँ या ना करूँ। ये तो कह रही इंसानियत इंसान में अब रही नहीं है, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और अनजान लोगों के पास दूर रही। तो शशि मैम ने ये बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया है कि हर किसी को अनजान लोगों से, आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक और कई ऐसे सोशल मीडियाज हैं जहां पर लोग अपने जो डिटेल्स होते हैं, पर्सनल डिटेल भी शेयर कर देते हैं। तो आपको अगर बात भी करनी है तो एक सर्कल बना के रखिए कि जो पर्सनल एरिया है और जो आपका प्रोफेशनल एरिया है वो क्रॉस ना हो। बिजनेस में है या फिर जॉब में है तो जो एक घर का जो माहौल होता है और जो बाहर का माहौल होता है वो उनमें फर्क करना सभी को सीखना चाहिए, और अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आज का जो हमारे ये प्रोग्राम है यहीं पे हम एंड करते हैं, और शशि मैम जी उन्होंने अपनी रियल स्टोरी जो क्राइम फ्रॉड उनके साथ हुआ था, जो कैटेगरी में अगर रखा जाए तो क्राइम फ्रॉड की बात करेंगे, यहाँ पर उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है उनका रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है, और जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इसे देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, और उन्हें ये बताएगा कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है और आगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक्सपीरियंस को देख लेते हैं तो किसी के तो वो हमारे लिए ही काम आ जाती है, फिर हम उस चीजों में ट्रैप नहीं होते हैं। तो शशि मैम का हम मतलब तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस एपिसोड में आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया। नमस्कार।